आज से 2 दिन पहले की बात करूं, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जब इनका सर्वर डाउन हुआ था, तो बहुत से लोगों ने ट्विटर पर जाकर इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। बहुत से लोगों ने इस बारे में बताया कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक, इन तीनों के सर्वर डाउन हो चुके हैं। क्या वजह रही होगी, क्या हैकिंग का कोई सिस्टम है या कोई और सिस्टम है, तो इस वजह से लगभग 6 घंटे ये तीनों सोशल प्लेटफॉर्म्स जो है वो बंद रहे थे। लेकिन आज सुबह से ही बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा जियो यूज़र्स का ये कहना है कि हम आउटगोइंग कॉल, इनकमिंग कॉल्स, हमें इसमें प्रॉब्लम आ रही है, हमें अपना मोबाइल डेटा यूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो अब जियो यूज़र्स के लिए जो ट्विटर है, ट्विटर पर जाकर वो इस बारे में जानकारी दे भी रहे हैं और जानकारी ले भी रहे हैं। अब तक 4,000 लोगों ने इस बारे में शिकायत ट्विटर पर दर्ज कराई है कि जियो यूज़र्स को जियो की सेवाएं क्यों नहीं मिल पा रही है, ना वो नेट यूज़ कर पा रहे हैं, ना ही वो आउटगोइंग कॉल्स या इनकमिंग कॉल्स की सेवाएं ले पा रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं, देश के दिग्गज टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो का भी अब सर्वर डाउन हो चुका है। इसके डाउन होने की सूचना मिली है, इसकी वजह से यूजर्स को काफी ज्यादा परेशानी आ रही है। जितने भी जियो यूजर्स हैं उनकी तरफ से माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के जरिए जियो सर्वर डाउन होने की सूचना दी जा रही है और यूजर्स की शिकायत है कि उन्हें सुबह से ही जियो नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से यूजर्स को इनकमिंग या फिर आउटगोइंग के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। साथ ही उन्हें इंटरनेट डेटा इस्तेमाल करने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और अभी तक ट्विटर पे 4,000 लोगों ने इस बारे में जानकारी दी है और इंटरनेट पर आउटेज की रिपोर्टों की मॉनिटरिंग करने वाले वेबसाइट डाउन डिटेक्टर वेबसाइट से भी जियो सर्वर के डाउन होने की सूचना मिली है। डाउन डिटेक्टर की माने तो भारत में जियो मोबाइल के नेटवर्क के इस्तेमाल में समस्या काफी ज्यादा आ रही है और यूजर्स की तरफ से नेटवर्क डाउन होने की लगातार शिकायतें भी मिलती नजर आ रही है। जियो सर्वर के डाउन होने की सूचना बहुत से शहरों से मिली है और अभी तक ट्विटर पर करीब 4,000 यूजर्स ने जियो नेटवर्क के डाउन होने की खबर दी है। बहुत से लोग इस बारे में काफ़ी ज़्यादा सवाल कर रहे थे कि पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के सर्वर डाउन हो गया, अब जियो का सर्वर डाउन हो गया, क्या अब आने वाले दिनों में हमें बिना नेट के रहना पड़ेगा या आने वाले दिनों में हम बिना फ़ोन के ही रह लें। तो इस तरह के ट्वीट करके लोग काफ़ी ज़्यादा इसको काइंड ऑफ मीम ले रहे थे। लेकिन सर्वर डाउन होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स को जियो की सर्विसेज नहीं मिल पा रही हैं, चाहे वो कॉल करनी हो यानी कि आउटगोइंग कॉल हो, चाहे इनकमिंग कॉल हो और या मोबाइल डाटा यूज़ करने की बात हो। तो इस बारे में बहुत से लोगों ने ट्विटर पे जानकारी दी है और डाउन डिटेक्टर की ओर से भी ये बताया गया है कि जियो का नेटवर्क सर्वर डाउन है, इस वजह से लोगों को ये चीज़ के बारे में प्रॉब्लम आ रही है। जो भी प्रॉब्लम होगी वो कंपनी की ओर से देखकर उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई प्रयास किए जाएंगे। लेकिन जो जियो यूजर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी और लगातार इस बारे में क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या अब फिर से नेट बंद हो जाएगा, क्या फिर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बंद हो जाएंगे, उनको मैं बता दूं कि रिलायंस जियो का इस समय सर्वर डाउन है, इस वजह से आपको इनकमिंग, आउटगोइंग में और मोबाइल नेटवर्क यूज़ करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलेगा और किन लोगों को इस बारे में प्रॉब्लम आ रही है आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें बाहू एक्सप्रेस।